आज हम बताएंगे डीएसपी बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम पास करना पड़ेगा और क्या उम्र चाहिए, सारी कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती है डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहती है उप पुलिस अधीक्षक। इनको देश की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। अब आती है डीएसपी आप कैसे बन सकते हो। डीएसपी बनने के लिए आपके पास दो ही तरीका है। पहला, आप सीधे इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर डीएसपी बन सकते हो, या फिर दूसरा, अगर आप सीधे डीएसपी पोस्ट चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टेट पीएससी एग्जाम पास करना पड़ेगा। स्टेट पीएससी का फुल फॉर्म होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको पास करना पड़ेगा। अब आती है डीएसपी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए और कितना एज होना चाहिए और कौन कौन सा एग्जाम आपको पास करना चाहिए। तो पहले आती है डीएसपी बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका उम्र 21 से 30 वर्ष का बीच में होना चाहिए। डीएसपी बनने के लिए आपके पास दो तरफ का एग्जाम आती है। जैसे एक होती है यूपीएससी एग्जाम, जो नेशनल लेवल का क्वेश्चन पूछी जाती है, और दूसरा है स्टेट पीएससी एग्जाम, जो स्टेट लेवल का क्वेश्चन पूछी जाती है। इन दोनों में से यूपीएससी एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप सोचो इनमें से कौन सा एग्जाम आप देना चाहेंगे। इनके अलावा आपके पास प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, इंटरव्यू, इनको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट, जैसे हाइट, वेट, रन, सारे कुछ देखने के बाद आपका सिलेक्शन होती है।